नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आठवीं कक्षा के इतिहास विषय के पांचवें चैप्टर जिसका नाम है शिल्प और उद्योग, तो शिल्प और उद्योग का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको तीन वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि उन तीनों वीडियोज़ को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जागृत समाज वो होता है जो अपने इतिहास को हमेशा याद रखता है, चाहे वो उस देश का साहित्य हो, उस देश की संस्कृति हो, उस देश की भाषा हो, या कि उस देश के उद्योग धंधे और शिल्प हों। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शिल्प और उद्योग के माध्यम से हम अपने पिछले 200 वर्षों के इतिहास, या यूं कहें कि उससे भी पहले का इतिहास हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम जो है अब वर्तमान की परिस्थितियों को जोड़ते हुए ये देखने का प्रयास करेंगे कि विगत में हमारी स्थिति क्या थी उद्योग के मामले में और शिल्प के मामले में, और आज हमारी स्थिति क्या है। तो अब तक हमने जैसा कि पढ़ाई किया इस चैप्टर के माध्यम से, तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो भूतकाल था, जो हमारा बीता हुआ समय था, वो खास करके शिल्प और उद्योग के मामले में काफ़ी आगे था, और हम वो काम कर सकते थे जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता था। ना वो हमारे समान गुणवत्तापूर्ण कपड़े बना सकते थे और ना ही हमारे समान गुणवत्तापूर्ण कारीगरी कर सकते थे। तो फिर हमने कहाँ चूक की, हम कहाँ भूल गए, कौन सी गलती हमने की। तो इतिहास तो स्टूडेंट्स इसीलिए पढ़ा जाता है कि हम विगत की जो गलतियाँ हैं या विगत में जो कुछ भी गलतियाँ हुई है वो बाद में आने वाले समय में हम ना दोहरावे। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए आपके सामने जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर क्या चीज़ है। ये कपड़े की तस्वीर है ना। ये कौन सा कपड़ा है भाई, देखिए चित्र 5.4 में आप देखिए, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई यानी छींट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। मतलब ये कपड़ा कहाँ से कहाँ पे तैयार होता था, ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम से ये निर्यात होता था। कहाँ निर्यात होता था, ईरान और यूरोप के देशों में। ठीक है, और इसको छींट कहा जाता था। ये स्टूडेंट सच पूछिए तो ये टेक्सटाइल जो है वो सूती है ना। सूती वस्त्र के मामले में हम लोग जो है ना वो काफ़ी अच्छा, मतलब दुनिया के किसी भी देश से हमारी जो स्थिति है ना वो कहीं बेहतर थी। ठीक है, अब आगे देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे थे। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा फिर से सुनिए, 18वीं सदी माने स्टूडेंट्स चलिए बताइए 18वीं सदी माने क्या होता है, और अभी कौन सी सदी चल रही है। अभी चल रही है 21वीं सदी है ना। 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से लेकर के 1800 तक का समय। ठीक है, आपको मालूम है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और एक तरह से जो है मुगल साम्राज्य का जो है वो अंत होता है। अंत तो नहीं होता है, जो परवर्ती मुगल शासक जो थे वो थोड़ा कमजोर शासक साबित होते हैं। परिणाम ये होता है कि हैदराबाद में अलग से जो है निजाम का शासन शुरू होता है, उसी तरह से लखनऊ में जो है एक अलग से शासन शुरू होता है और बंगाल में भी नवाबों का शासन शुरू होता है। तो मुगल साम्राज्य कमजोर होने पर जो है भारत में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राज्य जो है वो शासन करते हैं, है ना। तो ये था 18वीं शताब्दी, और इसी 18वीं शताब्दी में आगे चल कर के स्टूडेंट्स 1757 में पलासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई,
और 1761 इसी बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये वही पीरियड है जिसको हम लोग कहेंगे 18वीं सदी, 1701 से लेके 1800 तक का समय। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे थे। जैसे कई बार होता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग चीन के सामानों का विरोध करने लगते हैं। बीच में क्या हुआ था कि मतलब जो चीन के साथ थोड़ा संबंध खराब होने लग गया था, खराब तो अभी भी है, बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे सैनिकों को चाइनीज सैनिकों ने मार दिया था, तो अब देखवे किए थे, यहाँ रांची में भी हुआ था, है ना, और दूसरी कई जगहों पर। मतलब हम लोग जो है चाइनीज सामानों का की खरीदारी भी बंद कर दिए थे। अभी भी हम लोग चाइनीज सामान के प्रति उतना मतलब उत्साहित नहीं हैं। और कोई भी जैसे मोबाइल वगैरह भी खरीद रहा था यहाँ रांची में, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि कौन कंपनी का है जी, मतलब हम लोग चाइनीज सामान को थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि चाइना के साथ थोड़ा रिलेशन ज़्यादा खराब हो गया था, है ना। तो वो तो हमारे देश का प्रतियोगिता में तो प्रतियोगी देश तो है ही है चीन, है ना, लेकिन थोड़ा समय मतलब ज़्यादा खराब हो गया था उस वक्त। कब, जब थोड़ा युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो उस वक्त जब भारत से इंग्लैंड में जो कपड़े जाते थे, चाहे वो सूती कपड़े हों या किसी भी तरह के कपड़े जो भारत से जब इंग्लैंड में जा रहे थे, तो इंग्लैंड में उसका एक समय ना विरोध होने लग गया था। क्यों विरोध होने लगा था, क्योंकि भारत के कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वहाँ के जो व्यापारी थे, मतलब कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे अपने देश में, तो उसको वहाँ पे बेच पाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। समझ रहे हैं बच्चों इस बात को, जब इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा इंग्लैंड में बेचना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि भारत का कपड़ा अधिक क्वालिटी वाला था, उच्च गुणवत्ता युक्त था, तो भारत के कपड़ों पर वो लोग जो है ना विरोध प्रकट करने लगे। कौन लोग विरोध करने लगे, विरोध करने लगे वहाँ के व्यापारी, वहाँ के जो मतलब जो लोग उत्पादन करते थे कपड़ों का, ठीक है। तो आगे देखिए, इस दबाव के कारण 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। संजोग बस इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे देश का इतिहास और इंग्लैंड का इतिहास कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बताया कैलिको कपड़ा किसको बोलते थे वो लोग, कैलिको कपड़ा वो लोग बोलते थे जो कपड़ा कि हमारे केरल राज्य के कालीकट क्षेत्र से जो निर्यात होकर के जाता था इंग्लैंड, उसको वो लोग अपने से नाम दिए थे कैलिको। हम लोग नहीं बोलते थे कैलिको, वही लोग बोलते थे कैलिको। और जब वे कपड़े इंग्लैंड में जब ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगे, वही लोग खरीद के ले जाते थे, हम लोग बेचने के लिए इंग्लैंड तक नहीं जाते थे, याद रखिएगा। वो लोग खरीद करके, मतलब इंग्लैंड के व्यापारी ही खरीद के भारत से ले जाते थे और अपने देश में वहाँ पे बेचते थे। जब वहाँ पे उसको बेचते थे तो वहाँ उनका विरोध करने लगे लोग। कौन विरोध करने लगे, जो वहाँ प्रोडक्शन करते थे, जो उनके देश का कपड़ा हमारे देश के कपड़े के साथ गुणवत्ता में थोड़ा पिछड़ गया था। तो वो लोग जो है 1720 ईस्वी में कानून बनवाए कि भारत का कपड़ा मतलब नहीं आना चाहिए, खास करके छीट कपड़ा जो है वो इंग्लैंड नहीं आना चाहिए। तो उस कानून का नाम उन लोगों ने दिया था कैलिको कानून। चलिए, कितना मजेदार है ना ये बात। चलिए, संजोग बस इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना चाहते। देखिए, लाचार मैंने समझ रहे ना, मतलब वो लोग लाचार हो गए थे, मतलब कौन लोग, इंग्लैंड वाले लोग लाचार हो गए थे हम लोग के कपड़ों के चलते। स्टूडेंट्स, काश कि वही दिन फिर से एक बार आ जाए ना, वही दिन आ जाए कि हमारा देश जो है वो दुनिया का जो है प्रोडक्शन हाउस हो जाए, है ना, और हम इतना ज़्यादा उत्पादन करें और इतनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें कि दुनिया देखते रह जाए। वो दिन फिर से एक बार आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना।
चलिए देखते हैं कब आता है वो दिन। तो सुनिए, उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल गए थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार कपड़ा, अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं के कपड़े बिके। इस प्रक्रिया में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले सादे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में विभिन्न भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। मतलब भारत से सादा कपड़ा ले जाते थे और उसमें छपाई का काम वो लोग करने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया। स्टूडेंट्स थोड़ा इसको याद रखिएगा और आगे मैं इस सवाल भी पूछूंगा आपसे, है ना। 1764 ईस्वी में याद रखिएगा, 1764 याद रखने का एक तरीका है कि 1764 में भारत में बक्सर की लड़ाई हुई थी, याद कीजिएगा। तो उसी 1764 में एक मशीन बनाया था जॉन के ने, जिसका नाम रखा था स्पिनिंग जेनी, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब देख लीजिए स्टूडेंट, वास्प इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम इंजन, है ना। स्टीम इंजन क्या है? वो रेलगाड़ी का इंजन जो होता है भाप से चलने वाला, है ना। तो वो आर्कराइट ने बनाया। किसने बनाया? आर्कराइट ने, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। उस इंजन से सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे काम में आ रहे थे, है ना। अब कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। 18वीं सदी का अंत माने सन 1800, इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने 1701 से लेकर के 1800 तक तो हम लोगों ने परेशान करके छोड़ दिया उन लोग को। कौन लोग को? इंग्लैंड वालों को। 1701 से लेकर 1800 तक का जो समय था ना, वो भारतीय कपड़ों की बुलंदी थी, है ना। और भारतीय कपड़े जो है जिस प्रकार से प्रतियोगिता कर रहे थे, तो उस प्रतियोगिता में इंग्लैंड वाले कहीं नहीं टिक रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ों को खरीदने के लिए चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा कर उसी पैसे से कपड़े। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, सारी बातें नहीं समझ जाइएगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप सुनते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इंग्लैंड से कोई सामान खरीदते हैं अभी मान लीजिए, और इंग्लैंड से या चीन से कहीं से भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, और सामान के बदले में यदि हम भारतीय रुपया उसको दे दें, माने हम अपना नोट उसको दे दें, तो उस नोट को क्या करेगा? आज के युग में तो उस नोट का कुछ काम भी होगा, लेकिन उस जमाने में उस नोट का कोई काम था? कोई काम नहीं था। और सच पूछिए तो नोट चलता भी नहीं था उस जमाने में। तो हम लोगों को सामान के बदले सामान, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, हम लोगों को बहुमूल्य धातु देना पड़ता था। तो उसी तरह से जब इंग्लैंड वाले भारत से सूती कपड़ा खरीदते थे, है ना, तो वो लोग क्या करते थे? भारत को सोने या चांदी के रूप में उसका भुगतान करते थे, ज़्यादातर तो चांदी के रूप में भुगतान करते थे, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में जब पूरी तरह से चालू हो गया और वो लोग जो है कि हमारे देश पर अधिकार कर लिए और एक तरह से उन लोगों की सत्ता कायम हो गई, तो फिर ये समस्या उन लोग के लिए नहीं रही और तब वो लोग सामान आसानी से खरीदने लग गए। क्यों खरीदने लग गए? कि यहाँ से उन लोग को जो रिवेन्यू प्राप्त होता था, जो लगान, जो जमीन का जो लगान वसूल करते थे, उसी से तो सामान खरीद लेते थे। तो चलिए उसी तरह से दो सवाल अब हम आपसे पूछते हैं। पहला सवाल ये कि स्पिनिंग जेनी नाम का जो मशीन बनाया गया था सूती वस्त्र उद्योग के मतलब बेहतरी के लिए, उस मशीन को किसने बनाया था? एक सवाल,
आपको जवाब देना है कि स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी एक मशीन का नाम है जो कि कपड़ा तैयार करने में जो है काम आता है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था। दूसरा सवाल, जो वाष्प इंजन है, अब इसमें तो हम थोड़ा घुमा के सवाल पूछते हैं, इसमें आर्कराइट का हम नाम नहीं पूछेंगे, आप लोग सोचेंगे कि किसने किया पूछेंगे, नहीं, अब हम ये पूछने वाले हैं कि स्टीम इंजन का आविष्कार किस देश में हुआ, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या कि हॉलैंड में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इस चैप्टर पर आप इसी तरह से बने रहिए और अगले वीडियो का आप इंतजार